आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे विश्वविख्यात कलाकार से जिनका बचपन आम बचपन से अलग था। आप बताइए, बचपन में हम क्या करते हैं? शरारतें करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। स्कूल जाना एक बहुत अहम चीज़ है हर किसी के बचपन की। लेकिन आज हम जिस कलाकार से आपको मिलाने जा रहे हैं, वो बचपन में स्कूल नहीं गए, 2-3 दिन गए, लेकिन फिर उन्हें लगा कि स्कूल जाना उनके लिए एक किस्म से समय की बर्बादी है। जी बिल्कुल, समय की बर्बादी। तो उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई अपने घर पर रहकर की। वो घर पर ही रहकर पढ़े। इस बात को कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने इसके लिए उन्हें ताने भी मारे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन पर या अपने अपने बचपन पर अपने इस फैसले का कोई असर नहीं होने दिया। शरारतें की, लेकिन थोड़ी बहुत। जो बहुत बड़ी शरारत की वो भी ये कि एक बार घर से बिना बताए फिल्म देखने चले गए, और जब फिल्म देखकर लौटे तो उनके पिता ने उनसे कहा कि 3 घंटे की फिल्म, आधे घंटा जाना आधा घंटा आना, यानी 4 घंटे आपने बर्बाद किए, और अगर ये 4 घंटे आपने रियाज कर लिया होता तो आप एक बहुत बड़े कलाकार बन जाते। शायद बचपन की वही सीख पंडित विश्वमोहन भट्ट को आज पूरी दुनिया में एक बहुत बड़े कलाकार के तौर पर, एक बहुत सम्मानित कलाकार के तौर पर पहचान दिला चुकी है। पंडित जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी, आप इस इंटरव्यू का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट ही ऐसा है कि हम बचपन से लेकर आपके अब तक के सफ़र पर बातचीत करते हैं। आपसे इजाज़त लिए बिना आपकी कुछ शैतानियों का मैंने जिक्र कर दिया, लेकिन हमें बताएं कैसा था आपका बचपन? बचपन में अमूमन बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन मैंने ये नहीं किया। मैंने स्कूलिंग अपने आप ही समझ लीजिए, सेल्फ स्टडी से मैं पढ़ता गया और बीए ऑनर्स तक मैंने विदाउट गोइंग टू स्कूल और कॉलेज वो किया मैंने। तो पहला रेबेलियन मेरे को करार दिया गया कि ये घर में पहला एक ऐसा इंसान है जो स्कूल नहीं जा रहा है। मुझे स्कूल नहीं पसंद आया था और मुझे लगा कि ये 6 घंटे में मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। वहाँ 1 घंटे का काम है, 6 घंटे फालतू में बैठना पड़ता है, वो मैं अपने आप कर लूँगा। हालांकि मैं बहुत छोटा था, फिर भी बुद्धि प्रखर थी मेरी। तो इस तरह से मेरा बचपन एक अलग तरीके से घर पे ज़्यादा गुजरा मेरा। और बचपन में संगीत की ध्वनियाँ हर कमरे में से आती थी। मेरी मदर श्रीमती चंद्रकला भट्ट, जयपुर घराने की गायिका, और मेरे पिताजी मनमोहन भट्ट जी, वो भी गायक, मेरे बड़े भाई साहब शशि मोहन जी, वो सितार के बहुत अच्छे वादक, वो पंडित रविशंकर जी के शागिर्द बने थे 1957 में, जब मैं 7 साल का था तब। और मेरे बड़े भाई साहब महेंद्र जी, वो वायलिन बड़े भाई साहब थे। मुझसे जो बड़े हैं वो हैं रवि मोहन जी, वो भी वायलिन। मेरी सिस्टर मंजू बहन है, वो सितार, अभी अहमदाबाद में सप्तक जो फेस्टिवल होता है वो कराती हैं। मेरे भतीजे कृष्णा जी, ये सब पूरी फैमिली हम एक साथ बड़े हुए, मतलब देखते रहे, सुनते रहे। तो एक क्या होता है कि जब संगीत की ध्वनियाँ आपके कान में पड़ती हैं बचपन से, तो एक सबकॉन्शियसली आपको कुछ ध्वनियाँ याद हो जाती हैं। तो मुझे वो बहुत हेल्प मिली कि जो राग रागिणी की जो 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 पकड़ होती है, जो उसकी बंदिशें होती हैं, अरी 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 पिया बिन, अरी 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 पिया बिन, सखी कल न परत मोहे घड़ी पल छिन दिन, अरी अरी पिया बिन। ये मैं जब मम्मी से सुनता था, जब वो अपनी स्टूडेंट को सुनाती थी, तो स्टूडेंट से पहले तो मुझे याद होने लगी चीज़ें। तो बचपन ऐसे गुजरा। फिर पतंगबाजी का शौक, पतंग भी उड़ाई और खेल कूद थोड़ा बहुत हुआ, ज़्यादा नहीं। दोस्त ज़्यादा कुछ नहीं बनाए मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि मेरा एक कॉन्सेंट्रेशन टूटता है अगर इधर उधर ध्यान जाता है। तो ये जो एक संगीत, तो एक ऐसी सागर है, इसकी साधना करनी पड़ती है, जब जाके आपके हाथ में कुछ मोती लगते हैं। तो उसके चलते फिर ये हो गया कि इसको सीरियसली करना ही है। अभी फैमिली ट्रेडिशन भी है, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं था, ये माई ओन चॉइस कि ये ही करना है, और इस तरह से संगीत की यात्रा शुरू हुई।
एक शरारत तो मैंने बताई आपकी, लेकिन इसके अलावा और कौन सी शरारतें थीं जो जो बचपन का हिस्सा भी होती हैं जो आपने की? ऐसे तो मैं बहुत ही मतलब संजीदा वो रहा बच्चा, कभी मैंने कोई शैतानी नहीं करी, कभी भी कुछ नहीं करी। ऐसे कोई मेंशनेबल कोई चीज़ नहीं है जिससे किसी को कोई मैंने सताया हो या कुछ। कई बार बस ऐसे ही थोड़ी बहुत छोटी मोटी शैतानी कर देते थे कि जैसे किसी को कह देते अरे वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जाओ दरवाजे पे जल्दी जाओ। फिर वहाँ जब वो जाके पहुँचते तो हम हंसने के लिए तैयार खड़े रहते थे वहाँ पे। अच्छा, ये बहुत समझने वाली बात है पंडित जी कि स्कूल ना जाने का जो आपने फैसला किया उसकी उसकी वजह क्या थी? मेरे को थोड़ा सा मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ था फर्स्ट डे स्कूल में, मैं बोर हो गया था मैं, और 6 घंटे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सजा दे दी हो। तो मुझे लगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ घर पे, मुझे कॉन्फिडेंस था। और मेरे फादर मदर ने भी फिर जब मेरा कॉन्फिडेंस देखा तो उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारे घर पे ट्यूटर लगा देंगे। फिर मैं एग्ज़ाम में अपियर होता गया, फर्स्ट डिवीज़न के ऊपर आता रहा मेरा, और इस तरह से पूरा कॉलेज तक भी मैं मतलब मेरा वो प्राइवेट किया मैंने। पिताजी और माँ की कौन सी यादें हैं जो अभी भी आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके दिलो दिमाग में ताज़ा हैं? मेरे पिताजी फिर बहुत स्ट्रिक्ट थे जी, लेकिन माता जी सब संभाल लेती थी। वो जो भी कोई बात होती थी उसको सब संभाल लेती थी वो। शी रियली लव्ड मी सो मच, मैं उनके मतलब पूरे उसमें था। माँ से ऐसा था कि कुछ भी बात कर सकते हैं, खुला रहता था और सब चीज़ें शेयर करते थे। बचपन में उन्होंने बहुत अच्छा म्यूज़िक में भी वो मतलब सिखाती थी, तो बड़े पेशेंस और उससे सिखाती थी। पिताजी को गुस्सा जल्दी आता था। अच्छा, अभी आपने कहा कि आपके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो इसकी क्या वजह थी? एक वजह तो शायद ये हो सकती है कि आप स्कूल नहीं जाते थे, या ये कहा जाए कि आप सोशल नहीं थे, इस वजह से दोस्ती नहीं हुई। हम क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते थे तो हम 25 लोग एक साथ रहते थे, तो मुझे दोस्त बाहर का दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ी, अंदर ही दोस्त हो गए, हमारे परिवार के ही सदस्य के दोस्त बनते गए। पंडित जी, मैं एक चीज़ समझने की कोशिश करना चाहता हूँ आपसे कि जब एक पिता और गुरु दोनों एक ही व्यक्ति हों तो क्या क्या कुछ अलग होता है? क्योंकि पिता का मोह और गुरु का कड़क मिजाज, इन दोनों चीज़ों का सामंजस्य जो है वो कैसे कैसे बिठाया जाता है आपके जैसे परिवार में? नहीं देखिए, पिता अपनी जगह होता है, लेकिन जब वो गुरु की पद पे बैठ जाते हैं सिखाने तो वो गुरु हो जाते हैं। फिर वो रिश्तेदारी मायने नहीं रखती है, फिर वो उसी तरह से स्ट्रिक्ट होंगे जिस तरह से दूसरे शागिर्द बैठते हैं सीखते हैं। संगीत संगीत में रियाज ना करने के लिए कभी पिताजी से डांट पड़ी आपको? ऐसा थोड़ी बहुत तो पड़ी, थोड़ी तो व्यंग से बात करते थे ठीक करो इसको, जब तक ठीक नहीं करोगे उठोगे नहीं। फिर उदाहरण बताते थे, देखो पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था, उस्ताद लोग ऐसे करते थे वैसे करते थे, चोटी बांध देते थे ऊपर कुंठी से कि हिलोगे नहीं तुम, रियाज करोगे। इस तरह के उदाहरण बता के हमको डराते थे कि बोले कि इस तरह होता था, मगर मदर आके फिर पुचकार के ले जाती थी। तो कभी ऐसा भी हुआ हो कि बचपन में कभी रियाज, जैसे हम लोग स्कूल बंक करते हैं, कभी रियाज बंक किया हो आपने? हाँ, वो भी हम कई बार बचपन में जब सिनेमा देखने दे जाते थे छुपकर पिताजी से, बड़ी बड़ी मुगल आजम टाइप ऐसी पिक्चर जो होती थी जिनको देखना ही ज़रूरी था, तो वो हम छुप के जाते थे जरूर। अच्छा, आप भले ये कहें कि आपने शैतानी नहीं की और आप बदमाशियों से बहुत दूर रहते थे, लेकिन ये जिज्ञासा है मेरे मन में कि जब आपके आसपास इतने बच्चे थे तो क्या कभी वो आपको उकसाते नहीं थे कि आओ यार चलाओ जरा घूम के आते हैं, आओ जरा ये फिल्म देखाते हैं, आओ जरा बाजार से ये चीज़ें खा के आते हैं? क्योंकि बचपन के ये बहुत बहुत मूलभूत बातें हैं जो हर कोई अपने बचपन में करता है जी। वही बात थी, वही कहते थे चलो यार थोड़ा आप चलते हैं घूम के आते हैं, रामनिवास बाग हमारा जो गार्डन है वहाँ गोलगप्पे खा के आते हैं। एक जो मेरे भतीजे थे वो बोले चलो सिर्फ पिक्चर चलते हैं आज, तो अपन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, तो ऐसा भी होते थे, लेकिन वो कम हुआ हमारे यहाँ क्योंकि सब फैमिली था ना, तो इट वॉज लाइक विद इन फैमिली, जो कुछ हो रहा है वो फैमिली में हो रहा है और सबको पता है कि क्या कर रहे हैं। और जब आप फिल्म देखने गए और लौट के आए तो डांट नहीं पड़ी? क्या हुआ था वो, क्या याद करके बताइए जरा। तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे कि बोल 3 घंटा तुम पिक्चर में बर्बाद किया, आधे घंटा जाना आधा घंटा आना, 4 घंटा जिंदगी का
मतलब निकाल देना और क्या मिला तुमको, इस तरह का सुनने को मिला था हमको कि इसमें एक राग तुम रियाज करते एक घंटा तो ज़्यादा अच्छा रहता। अच्छा, आपने स्कूल आप नहीं गए, आपने स्कूल ना जाने का फैसला किया, ये अप्रचलित माध्यम था, लेकिन घर पर रहकर जब आपने पढ़ाई की तो एक एक छात्र के तौर पर आप किस तरह के छात्र थे? मैं बहुत अच्छा, मैंने ये देखा कि मैं कंसंट्रेशन अगर आदमी का है तो कर सकता है, वो कम समय में भी कर सकता है, यानी साल भर की पढ़ाई मैं एक महीने में करता था। तो इतना कंसंट्रेशन के साथ में अगर कोई काम किया जाए तो हो जाता है। क्या विषय थे आपके उस समय? मेरे कोई जैसे कोई विशेष मुश्किल सब्जेक्ट नहीं लिए थे, आर्ट्स लिया था तो वो जल्दी हो गया काम, उसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर साइंस ले लेता या कुछ ऐसा ले लेता तो उसमें ज़्यादा फिर काम करना पड़ता, वो मैंने चूज़ नहीं किया क्योंकि म्यूज़िक फिर मेरा हैम्पर होता उससे। अच्छा, एक चीज़ और समझाइए पंडित जी, कि जब आप स्कूल नहीं जाते थे तो आपके अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे वो क्या कभी कुछ इस तरह की बात कहते थे कि ये देखो ये बहुत बड़े 30 मार्क आए हैं, ये स्कूल ही नहीं जाएंगे, और ये तो जो एक प्रचलित माध्यम कह लें या प्रचलित विचारधारा कह लें कि बच्चा स्कूल जाता ही जाता है, उसको तोड़ने पर उतारू है, तो क्या कभी इस तरह का कोई उलाहना सुनने को मिला आपको? कुछ कुछ ऐसे टोंट कसते थे, कुछ लोग थे जो मतलब इस चीज़ को उनको समझ में नहीं आती थी, पर मैं ध्यान ही नहीं देता था, कुछ कहता था कि बोल ले भाई जो तेरे को बोलना है, मैं अपनी ज़िंदगी जानता हूँ कि मुझे किस तरह जीना है मेरी ज़िंदगी। लेकिन फिर इस बात का दूसरा पक्ष भी है, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे पंडित जी जो आपकी तारीफ करते होंगे। मेरी मदर सभी लोग करते थे, जब रिजल्ट आता था तब बहुत खुश हो जाते थे सब लोग कि हाँ चलो राइट। अच्छा, परिवार के आर्थिक हालात पंडित जी कैसे थे आपके? ठीक है, स्मूथ था हमारे यहाँ, ठीक था हमारे, मतलब कोई ऐसा अभाव जैसा इतना भी नहीं था, और कोई अमीर भी नहीं थे कि गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब ठीक ठाक मध्यम वर्गीय। पिताजी माताजी दोनों लोग सिर्फ संगीत पर ही आधारित? हाँ, माताजी ने फिर लेक्चरर बनी वो म्यूजिक की। जयपुर के हिजाइनिस आपके पुरखों को आंध्र प्रदेश से लेकर आए थे अगर मेरी जानकारी सही है तो, ये क्या पूरा किस्सा है ये जरा बताइए। राजा महाराजा जब उस टाइम पे राज दरबार में एक गुणीजन खाना हुआ करता था, जैसे अकबर के नवरत्न थे तो अलग अलग फील्ड के उसमें थे, जैसे तानसेन भी थे उसमें म्यूजिक के, इसी तरह से उसी पैटर्न पे जयपुर हिजाइनेस ने जो बनाया उसमें हमारे फोर फादर्स को आंध्र प्रदेश से लेके आए थे, तो हम लोग हमारे रूट्स आंध्र प्रदेश तेलंगाना प्रदेश से हैं, तैलंग हैं हम लोग, तो वहाँ संस्कृत के पंडित साहित्यकार कवि और शास्त्रीय संगीतज्ञ लेखक ये थे वहाँ पे हमारे फैमिली के इंटेलेक्चुअल्स जो क्लास होती है, तो उनको वहाँ से माइग्रेट करके लाया था कि आप यहाँ रहिए, आपका खाना पीना रहना सब राजाश्रय में होगा, और ये हवेली है और ये दो घोड़े हैं और आप आराम से रहिए यहाँ पे, तो वो शुरुआत हमने देखी हुई है उस टाइम पे। पंडित जी, माँ आपकी शास्त्रीय गायिका थी, पिता आपके शास्त्रीय गायक थे, तो ये जिज्ञासा हर किसी के मन में होगी कि आप गायक क्यों नहीं बने? हमारी सरप्राइजिंगली सेकंड जो जनरेशन आई पिताजी के बाद वो सभी लोग इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हो गए उसमें, सभी लोग उसमें वोकल कोई भी नहीं आया, सब ने वाद्यों ही को चुन लिया, सब वाद्यों को ही अपना वो अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना शुरू किया, सितार जैसा मैंने बताया आपको, वायलिन यही हो गए साज, मेनली सितार बन गया और वायलिन बन गया, और फिर मैंने थोड़ा सा ये मोहन वीणा का शुरू किया। लेकिन क्या कभी पिताजी ने कहा नहीं कि तुम वोकल क्यों छोड़ रहे हो? नहीं, क्या हुआ कि मेरा जो रुझान जो देख लिया उन्होंने कि ये इंस्ट्रूमेंट की तरफ ज़्यादा रुझान है, तो फिर उन्होंने कुछ ज़्यादा फोर्स करना बंद नहीं, मतलब फोर्स नहीं किया उन्होंने। गुरु आपके वही रहे पहले वाले? शुरू में तो वही रहे, फिर संगीत यात्रा चलती रही, मैंने परफॉर्मेंस शुरू किए 1970 से बॉम्बे में, सबसे पहला प्रोग्राम मेरा था, और फिर इसके अच्छे रिव्यूज़ मिले मुझे, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत अच्छा रिव्यू मिला कि 18 ईयर ओल्ड आर्टिस्ट स्टील्स लाइमलाइट, वो मुझे अभी तक याद है, वो जो पेपर कटिंग जो दूसरे दिन नाम देखा फोटो देखी तो अपार खुशी हो गई मुझे, और
उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली कि ये जो मैं कर रहा हूँ काम, जयपुर से जाके बॉम्बे में दिखाया तो बहुत पसंद आया लोगों को। और फिर HMV कंपनी ने मेरा पहले कार्यक्रम में मुझे HMV कंपनी ने ऑफर कर दिया कि आपका हम रिकॉर्ड निकालेंगे, उस टाइम पे वो होते थे। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस थी कि पहले ही प्रोग्राम में मुझे एक HMV यानी बहुत बड़ी कंपनी, म्यूज़िक कंपनी मानी जाती थी जिसमें म्यूज़िक के रिकॉर्डिंग्स निकालते थे, तो वो मुझे फिर मिला। आप 70 के दशक के कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, वो कार्यक्रम मिला कैसे था? उसके मिलने के पीछे भी कोई ना कोई एक मज़ेदार किस्सा होगा। नहीं, एक हमारे जयपुर में एक थे, उनका नाम था कमल सिंह जी। उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था, बॉम्बे में था वो ऑर्गेनाइजेशन, संगीत महफिल। तो संगीत महफिल के डायरेक्टर थे वो, और जयपुर में आए थे वो। तो उन्होंने सुना कि हमारी फैमिली के बारे में कि भाई ये म्यूज़िक की फैमिली है। तो एक दिन मैं रियाज कर रहा था और वो चले आए। उस ज़माने में कोई टेलीफोन या कोई अपॉइंटमेंट या तो कुछ होता नहीं था, वो चले आए। और उन्होंने जब मैं कर रहा था रियाज तो उन्होंने बैठ के थोड़ी देर सुना, और सुनते ही बोले कि मेरी मम्मी पापा को कहा कि इनका तो मैं प्रोग्राम करता हूँ, बॉम्बे में रखूँगा इनका मैं, सबसे पहले इनको इंट्रोड्यूस करूंगा मैं पूरे। तो इस तरह से फिर वो पहला प्रोग्राम मुझे। पंडित जी एक बात बताइए, एक होता है प्रोग्राम मिलने लगना कि आपके घर में एक बच्चा है बहुत अच्छा, कोई भी वाद्य यंत्र बजाता है या बहुत अच्छा गाता है तो उसको एक प्रोग्राम दे दिया जाए, और एक होता है उस प्रोग्राम से होने वाली आय का मिलना, यानी हाथ पर कुछ पैसों का रखा जाना। ये सिलसिला कब शुरू हुआ? पहला पैसा उसी में मिला था मुझे, और मुझे याद है मुझे 400 रुपये मिले थे उस प्रोग्राम में। उस टाइम पे 400 यानी बहुत अच्छी रकम मानी जाती थी। और मुझे यह भी याद है कि एक सेठ थे कंदोई जी, उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ ऐसे आके दिए थे न्योछावर। वो मुझे बहुत, मतलब उस समय 100 रुपये बहुत हुआ करते थे, 70 में, बहुत कीमत हुआ करती थी। तो 500 मेरी पहली कमाई थी, तो पिताजी को जब मैंने दी जाके तो बहुत खुश हुए। तो वो जो 500 रुपये आपने अपने पिता के हाथ में रखे, निश्चित तौर पर उस दिन वो भावुक हुए होंगे, और उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कही होगी, कोई ना कोई सीख ऐसी ज़रूर दी होगी जो आपको हमेशा याद रहेगी। उन्होंने कहा कि देखो, संगीत की तुम्हारी पहली कमाई है, मगर संगीत को कमाई का जरिया मत बनाना, अगर आता है तो बहुत अच्छा है, इसके पीछे भागना मत पैसे के पीछे। ये सीख दी थी जो अभी तक आप हमेशा, मैं उसी पे कायम हूँ, मैं वो नहीं देखता, क्योंकि कॉमर्शियल एक वो अलग वो होता है वो देखना। लेकिन अब जैसे अभी ये प्रोग्राम था, मल्लिकार्जुन मंसूर जी बड़े बड़े गायक, अब वो जो प्रोग्राम जो कराते हैं उनके पास फंड्स नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस होटल में रुका हुआ हूँ, जबकि मैं रुकता हूँ बड़े 5-स्टार में, ताज में, इसमें रुकता हूँ, लेकिन मैं उनकी पिताजी की बात कही हुई याद रखता हूँ। और ये कैसा भी होटल हो, छोटा हो, बस ठीक है, काम चल रहा है, मैं डिमांड नहीं करता या किसी से खींचता नहीं हूँ कि ये मेरे को ये दो, ये दो, वो दो। उससे संगीत, क्योंकि शास्त्रीय संगीत बढ़ रहा, नहीं तो कहाँ, अभी मैं मना कर देता और उनसे कहता नहीं मेरी तो 5 लाख फीस है, मेरे को आप 5-स्टार में होटल में रुकवा दीजिए, तो वो कहते कि ये हम तो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो जो कल जो श्रोता थे वो महरूम रह जाते, तो ये मैं ध्यान रखता हूँ। माँ की दी हुई कोई सीख जो आपको याद आती हो? माँ ने सीख जो मुझे दी है वो ये है कि सबसे प्यार करो, सबकी इज्जत करो, सबसे पहले। माँ ने कहा कि जो अगले आदमी के पास है वो तुम्हारे पास नहीं है, ये ध्यान रखना, और वो चीज़ काफ़ी है इज्जत करने के लिए, वट ही हैज़ यू डोंट हैव। ये ही काफ़ी है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें, उसकी शक्ल, उसके गुण, उसकी हैंडराइटिंग सब अलग अलग है, सो नो कंपैरिजन। तो बोले कंपैरिजन मत करो, सब अलग हैं, सब इंडिविजुअलिटी है सबकी, और वो इंडिविजुअलिटी की इज्जत करना पड़ेगा आपको।